जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश रामकृपाल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसके अलावा बाह्य न्यायालय बांसगांव, कैंपियरगंज, चौरी चौरा, गोला सहित अन्य तहसीलों पर भी लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में छोटे समनीय आपराधिक मामले, NI एक्ट से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले, बैंक ऋण वसूली से संबंधित मामले, प्री लिटिगेशन से संबंधित मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश रामकृपाल ने कहा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार आज 9 मार्च द्वितीय शनिवार को गोरखपुर जनपद में सिविल कोर्ट मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त बाह्य न्यायालय, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा, गोला, इसके अतिरिक्त अन्य तहसीलों पर भी लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में छोटे संबंधी आपराधिक मामले, NI एक्ट से संबंधित मामले, मोटर व्हीकल से संबंधित मामले व बैंक ऋण वसूली से संबंधित मामले, इसके अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन से संबंधित मामले आज सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।